ये है ना 3D ग्लास मंगवाया तुमको दिखाया ना, और देखो क्या है, निकालो उसको। है ना स्पीकर है, और इसका ट्रैकिंग आईडी देखो, इसको पकड़ो देखो। है ना तुमने भी देख लिया, अभी तुम्हारे सामने खोला है ना, तुमको दिखा ना एप्लीकेशन में वो था, अभी स्पीकर नहीं था। तो आप मेरा फोटो ले लो सर, अभी तुम्हारा नहीं ले, फ्लिपकार्ट वाले को। मेरा तो लिए सर, फ्लिपकार्ट वाले को बोलना पड़ेगा ना, कि नहीं तो वो बोलेंगे कि तुमने निकाला। ट्रैकिंग आईडी भी वही है, इसके अंदर से निकला स्पीकर, तुमको मैंने एप्लीकेशन में दिखाया, ऑर्डर किया था ये। तो इसको क्या करना, मैं अभी रखूँ या फिर तुम रिटर्न लेके जाओ? नहीं अभी आप रखो, आप मेल डालो रिटर्न के लिए। मेल डालूंगा ना। हाँ तो फिर आपको एक कार्ड भी मिलेगा ना कि आपको रिप्लेसमेंट का। हाँ फिर कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा फिर ऐसा। ठीक है सुना है मैंने, साबुन देते हैं ये लकड़ी भेजते हैं, और आज मुझे भी गलत सामान भेज दिया। आप स्पीकर ही मंगाते ना सर? स्पीकर ही ना, वो स्पीकर नहीं था मेरा, 3D ग्लासेस था, ये स्पीकर भेज दिया है। ठीक है तुमको ट्रैकिंग आईडी दिखाया मैंने अभी एप्लीकेशन पे, सेम था ये वाला। तुम भी ट्रैकिंग आईडी भी, तुम भी ट्रैकिंग आईडी लिख लो इसमें से। आपका साइन है सर यहाँ पे? हाँ वो मैंने साइन कर दिया। कुछ कमेंट लिखना है क्या उधर के, रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर्ड ऐसा कुछ? नहीं नहीं आपको मेल में जा सकते हो। तो इतने दिन से डिलीवर किया इन्होंने, हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, जिसने पैक किया तुमको क्या पता की तरफ से, तुम तो डिलीवर करोगे। ओके थैंक यू सर, आप रख लीजिए। ठीक है इसको रखता हूँ, और क्या उनको कॉल करूँ कस्टमर केयर को अभी? नहीं सर आपको एसएमएस आएगा डिलीवर का, उसके बाद आप कर दीजिए, पहले डिलीवर का एसएमएस आ जाएगा, फीडबैक दीजिएगा सर, फिर उसके बाद कीजिए। ठीक है दोस्त, थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा कि वो डिलीवरी वाला आया हुआ था, तो मुझे लगा ही था कि पैकेट बहुत छोटा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था कंपैरेटिवली इसे बड़ा होना चाहिए था, बट ये काफ़ी छोटा था। तो उसके सामने ही मैंने ये खोला, हालांकि मैं सारे प्रोडक्ट्स अनबॉक्स करता हूँ पहले DSLR के सामने ही, बट अभी मैं भी सोकर उठा था तो तैयार नहीं था। तो अभी मैं ये फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर को कॉल करूँगा और देखता हूँ उनको क्या रिस्पॉन्स होता है। पहले जब मैं इंटरनेट पे देखा करता था तो मुझे लगता था कि ये सब अफवाहें हैं या फिर ऐसे ही पोस्ट आते हैं लोगों के पॉपुलैरिटी के लिए, बट ये मेरे ही साथ हुआ आज पहली बार। देखते हैं, चलिए ठीक है, थैंक्स।